नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। एक बहुत ही अहम अपडेट उन लोगों की रुचि कर, खास करके जो पंचायती चुनाव में कल होने वाले जो बीसी एके ड्रा के बारे में आरक्षण को लेकर जो ड्रा प्रक्रिया होनी थी उसको लेकर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये खबर है कि कल होने वाले ड्रा को स्थगित कर दिया गया है, जो कि प्रशासन की ओर से अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया है। यानी कि चाहे आप डब्वाली की बात करें, ओढ़ा की बात करें, अलाहाबाद की बात करें, रानिया की बात करें, सिरसा, नदसरी, चोपटा, बड़ागुड़ा, समस्त जितनी भी ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के लिए जो 12 सितंबर यानी कल आरक्षण प्रक्रिया की जानी थी वो अब अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दी गई है। जिला के सभी खंडों में पंचायत समिति सदस्य, पंच, सरपंच के लिए बीसीए के आरक्षण को लेकर ड्रा निकाला जाना था, जिसमें अलग अलग तरीके से ये प्रतिशत था, जिसमें बैकवर्ड क्लास ए के लिए जो आरक्षण दिया जाना था। मान लीजिए डवाली है तो यहाँ पर ऐसे 12 गांव लिस्ट में बनाए गए थे, जिन 12 में से 4 ऐसे ड्रॉ के जरिए, लॉटरी सिस्टम के जरिए गांव चुने जाने थे जो बीसीए के लिए आरक्षित हो जाते। मगर जिला परिषद की तरफ से, जो सीईओ की तरफ से जानकारी दी गई, उसमें बताया गया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5-6 के प्रावधान के मुताबिक बीसीए श्रेणी के लिए जितने भी खंडों में ये कार्यक्रम रखे गए थे, समस्त ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के लिए 12 सितंबर को होने वाले आरक्षण प्रक्रिया की जानी थी, और प्रशासनिक अपरिहार्य कारणों के चलते आगामी आदेशों तक आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। इस संबंध में आगामी तिथि बारे में सूचित किया जाए, यानी कि विभाग की तरफ से कोई भी तिथि इसके ऊपर डिक्लेयर नहीं की गई। तो यानी ये संभव है कि चुनाव अब लंबा जा सकता है, थोड़ा आगे जा सकता है, अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना, लेकिन उसमें छुट्टियां ज़्यादा है, दशहरा है, दीपावली है, जिसमें काफ़ी सारे त्यौहार आएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार क्या अक्टूबर के एंड में चुनाव करवाएगी या फिर नवंबर में चुनाव चले जाएंगे, ये अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन एक और खबर है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया। चुनाव जरूर होंगे क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग ए को दिए गए आरक्षण संबंधी हरियाणा सरकार के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब जरूर मांग लिया है। उसका बहुत लंबा रास्ता दे दिया है क्योंकि प्रदेश सरकार को 14 दिसंबर को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, क्योंकि जैसे ही ये ड्रा निकाला जाना था बैकवर्ड क्लास के लिए, तो उसके लिए एक पक्ष की ओर से इसके ऊपर एप्लीकेशन दायर की गई है। काफ़ी देर वाला समय है, ऐसे में राज्य सरकार जवाब दाखिल करने से पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवा लेगी। वैसे तो सितंबर माह के अंत तक पंचायत चुनाव करवाए जाने थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग ए को दिए गए आरक्षण की प्रक्रिया वार्डबंदी के काम में देरी की वजह से दशहरे के बाद ही यानी 5 अक्टूबर के बाद पंचायत चुनाव हो जाएंगे। यानी कि आखिरी सप्ताह होगा या फिर पहला होगा यह भी पता नहीं है, और जिसमें देरी आपको बताई दी है मैंने। हरियाणा सरकार के पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित बेंच ने बृहस्पतिवार को ही केस पर सुनवाई करते हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तो आरक्षण ड्रा के लिए नई तारीखों का ऐलान भी होने की संभावना है। त्योहारी सीजन के बाद ही चुनाव करवाने की सरकार की मंशा लग रही है। सूबे में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी के बीच जिलों में पिछड़ा वर्ग ए को जो आरक्षण को ड्रा अब 19 सितंबर को करवाने की तैयारी है। परिवार पहचान पत्र से बीसीए का ब्यौरा पंचायत विभाग को दे दिया गया है। जिलों में 19 को ड्रा करवाने की तैयारी, इसके साथ ही पंचायती चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज हो जाएगी। और आपको बता दें कि पंचायतों के चुनाव किसी भी सूरत में त्यौहार निपट जाने के बाद ही हो पाएंगे, ये पक्का रिपोर्ट है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और फिलहाल सभी जिलों में ड्रा की तारीख 19 सितंबर रखी गई, ये भी सूचना आ रही है। आज पूरा दिन व्हाट्सएप पर ये मैसेज आते रहे हैं, उसमें पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव की डेट भी निकाली गई है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और इसके मिलान में कई तरह की तकनीकी दिक्कत आ रही है, जो पीपीपी ब्यौरा मिलान में काफ़ी जो दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर यह है कि अभी जो होमवर्क है वो पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल पंचायत विकास विभाग पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को तेज करने जा रहा है। इसके बावजूद चुनाव आयोग के पास सूचना जाने के आयोग को 1 माह का वक्त चुनाव करवाने के लिए चाहिए। इसमें चुनाव अक्टूबर अंत के ही होंगे क्योंकि इस बीच में दशहरा, दीपावली सहित बड़े त्यौहार आ रहे हैं। इस दौरान सरकारी अमले का अवकाश रहेगा और चल रही प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा। कुल मिलाकर पंच, सरपंच और पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के लिए और एससी और पिछड़ा वर्ग ए के लिए वार्ड आरक्षित होने के बाद ही सूचना आयोग के पास उसे भेजा जाएगा।
तो ये एक महत्वपूर्ण खबर उन तमाम भावी सरपंचों पंचों के लिए हमने जानकारी दी, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे थे कि क्या कल को ड्रा निकाले जाएंगे, क्योंकि कल बहुत कुछ तय होने वाला था लेकिन वो अब स्थगित कर दिया गया, अपरिहार्य कारण बताए गए हैं। विभाग ने जो हमें सूचित किया है, जो एक अथेंटिकेट मेल हमारे चैनल के जरिए हमें पहुँची है चैनल तक सरकार की प्रशासन की, उसमें आगे की डेट नहीं दी गई है, यानी कि 19 सितंबर जो बताया जा रहा है उसमें कोई ऐसा हवाला नहीं दिया जा सकता कि 19 सितंबर को ड्रा होगा। अभी तक ड्रा की जो दिनांक है वो नहीं है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।